दोस्तों, करवा चौथ प्यार का प्रतीक होता है। करवा चौथ माता पार्वती से संबंधित है, माता गौरी से संबंधित है। माता रानी के लिए एक लाइक जरूर करें। जय माता दी। दोस्तों, करवा चौथ व्रत 2024 अक्टूबर के महीने में कब है तो ना हो कंफ्यूज, इस दिन है करवा चौथ का व्रत। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में करवा चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का चांद निकलने का समय और पूजा विधि, पूजन सामग्री और करवा चौथ व्रत के महत्व के बारे में बताएंगे। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। ये व्रत सभी कठिन व्रतों में से एक है। इस दिन सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। इस व्रत को सुहागन महिलाओं द्वारा रखा जाता है। करवा चौथ के व्रत में करवा माता और संपूर्ण शिव परिवार का पूजन किया जाता है। इसके साथ ही शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। आइए जानते हैं इस साल करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और चांद निकलने का समय, पूजा विधि सामग्री और इसका महत्व क्या है। करवा चौथ व्रत साल 2024 में करवा चौथ 20 अक्टूबर रविवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 20 अक्टूबर प्रातःकाल 6:46 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 21 अक्टूबर प्रातःकाल 4:16 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त है 20 अक्टूबर सायंकाल 5:46 से 7:02। चंद्र दर्शन का समय रात्रि 7:54। करवा चौथ व्रत पूजा विधि। करवा चौथ वाले दिन प्रति महीना को मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद सर्गी का सेवन करना चाहिए। 16 श्रृंगार के बाद दिन भर निर्जल निराहार व्रत रखें और शाम को पूरे विधि विधान से शिव परिवार और करवा माता की पूजा करें। फिर व्रत की कथा सुने। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा की पूजा करें। चंद्रमा की पूजा करें बगैर व्रत पूर्ण नहीं होता। करवे से चांद को अर्घ्य और फिर छलनी से चांद देखकर करवा चौथ की पूजा पूर्ण करें। करवा चौथ व्रत की सामग्री मिट्टी का टोटी नुमा बर्तन, करवा कलश, रोली, कुमकुम, मौनी, अक्षत फल, फूल, हल्दी, चावल, मिठाई, पान का पत्ता, व्रत कथा की पुस्तक, दही, शक्कर का बूरा, चंदन, देसी घी, इत्र, नारियल, जनेऊ का जोड़ा, दक्षिणा, कच्चा दूध, छन्नी और कपूर, गेहूं बाती करवा माता की तस्वीर, दीपक, अगरबत्ती, हलवा, 8 पूरियों की 18वीं सर्गी के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री, ड्राई फ्रूट्स और 16 श्रृंगार का सामान। करवा चौथ का महत्व। शास्त्रों में करवा चौथ के व्रत का खास महत्व बताया गया है। ये व्रत सुहागिन महिलाओं के द्वारा पति की दीर्घायु आयु के लिए रखा जाता है। इसमें अत्यधिक प्यार का प्रतीक भी होता है। इस दिन भगवान गणेश तथा कार्तिकेय देव, माता पार्वती, भगवान शिव, करवा माता और चंद्रदेव की पूजा से महिलाओं को अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करने के साथ ही सुहाग सामग्री के दान का भी विशेष महत्व होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारी पसंद आई हो तो आप साइड लाइक और शेयर करना ना भूले। अगर आप अखंड सौभाग्यवती का वरदान पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें। जय माता पार्वती। माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। धन्यवाद।